Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine and safe. So, let's see today's date and day. So, today's date is 19th, 19th of January, means first month of the year. So, we'll write with digit 1. And year is 2020. 2 20 22. and day is so today is wednesday how to write w e d n e s d a y is wednesday okay now open your english workbook page number सेवेंटी फोर सो टूडे लर्न अबाउट डेट का भी यूज होता है और दोस्त का भी यूज होता है सिंगुलर ओके एंड दोज क्या होता है दोज इज प्लुरर दिस इज सिंगुलर ये है सिंगुलर ओके यानी जब हम किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं ओके वी यूज दैट फॉर थिंग्स दैट आर फार अवे जो हमसे दूर होती हैं और एक चीज के लिए सिंगुलर है ना सो so, हम किसी एक चीज के लिए दैट का यूज करते हैं और दैट के साथ हमेशा वी ऑलवेज यूज इसका यूज होता है एंड दोस्त का यूज कब करते हैं दोज इज प्लूर यह है प्लूरल यानी एक से ज्यादा ठीक है जब एक से ज्यादा चीज हमसे दूर होती है यानी वेन वी टॉक अबाउट टू और मोर थिंग्स दैट आर फार फ्रॉम अस जब हमसे वो दूर होती हैं तो हम क्या यूज करते हैं दोज और दोज़ के साथ हमेशा आर लगता है ओके एंड दैट के साथ इस लगता है, फॉर एग्जाम्पल वो देखो वो एप्पल मुझसे दूर है ना जब मैं बोल रही हूँ वो वाला एप्पल मीन दैट एप्पल और ये मेरे पास एक ही दूर है देखो मैम का हैंड भी नहीं पहुंच रहा है वो दूर है हमसे है ना जैसे मैं बोलूंगी सो so, मैं क्या बोलूंगी मैं बोलूंगी दैट इज एन एप्पल ओके सो लिसन केयरफुली दैट इज एन एप्पल यहाँ पे आ, मैं क्या बोल रही हूँ दैट इज़ एन ऐप्पल मीन्स यहाँ पे देर इज़ ओनली वन थिंग दैट इज़ फार फ्रॉम अस हमसे दूर है है न और ये कितने ऑब्जेक्ट हैं देर इज़ ओनली वन एप्पल वन थिंग है ओके सो वी विल यूज़ दैट ओके दैट इज़ सिंगुलर है वन okay? ऐप्पल so okay? है सो वी यूज़ इज़ यहाँ पे दैट के साथ इसका यूज होगा फॉर सिंगुलर ऑब्जेक्ट में ठीक है एक ही है एंड यहाँ देखो देर आर टू और मोर थिंग्स एंड देट आर फार फ्रॉम अस कितने एप्पल्स हैं वन टू एंड थ्री सो मैं क्या बोलूंगी दो आर एप्पल्स आर okay. एप्पल्स और बहुत दूर है देखो मैम का हैंड भी नहीं पहुंच रहा है ना और ये प्लूरल है तो हम आर का यूज करेंगे क्या बोलेंगे के okay. बहुत सारे है ना मींस ये क्या है दो से ज्यादा है सो वी विल से दो आर एप्पल्स ओके क्योंकि यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट टू और मोर थिंग्स दैट आर फार फ्रॉम अस हमसे दूर है और यहाँ पे सिर्फ एक ही एप्पल था सिंगुलर था सो तो हमने और ये बहुत सारे एप्पल्स हैं वन एप्पल के लिए क्या यूज़ होता है दैट वेरी गुड और जब बहुत सारी चीज़ें हमसे दूर होती हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं दोस्त ओके okay?

लगता है दैट इज फॉर सिंगुलर ओके एक ऑब्जेक्ट के लिए एंड मोर देन टू ऑब्जेक्ट मोर देन टू और उससे ज्यादा की जब हम बात करते हैं वी यूज दोज दोज और के साथ हमेशा आर लगता है इसके साथ इज इस लगता है ओके सो आर फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ हट अब ये देखो ये हट कितनी दूर है ना कितनी डिस्टेंस पे है और ये कितनी हट हट है ओनली वन सिंगुलर है ना वन है तो वी यूज डैट डैट के साथ हमेशा क्या लगता है इज सिंगुलर के साथ इज लगता है सो so, हम यहां क्या लिखेंगे डैट टी ओके एच ए टी डैट इज अ हट वेरी गुड सेकेंड की पहले देखो कितने हट हैं टू मीन्स हम कितने थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं टू यानी वन से ज्यादा है सो डैश आर हट्स क्या यूज करेंगे ये प्लूरल है है ना और उसके साथ हमेशा आर लगता है तो क्या लिखेंगे दोज देखो ये दूर है ना डिस्टेंस पे तो हम लिखेंगे दो टी एच ओके ओ एस ई दो आर हर्ट्स ओके नाउ सेकेंड डैश इज अ ट्री कितने ट्री है ओनली वन ट्री और ये पास में है कि दूर है इट इज फार फ्रॉम अस तो क्या लिखेंगे ओनली वन ट्री इज देर एक ही ट्री है सो विल यूज दैट दैट के साथ सिंगुलर है सो so, हमेशा क्या लगेगा इज़, दैट इज अ ट्री नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज़ डैश आर ट्रीज एंड हाउ मेनी ट्रीज आर दे? वन टू थ्री फोर मीन्स ये ट्रीज क्या है मोर देन टू और उससे ज्यादा है एंड ये क्या है ये हमसे फार फ्रामस हमसे दूर है और बहुत सारे हैं सो so, ये क्या है प्लूरल सो वी यूज दोस टी एच ओ एस ई दोस के साथ आ रहेगा ओके एंड नेक्स्ट इज डैश इज एन एलिफेंट एंड ये एलिफेंट क्या है फार फ्रामस और ये कितने हैं ओनली वन तो ये सिंगुलर है हमसे दूर है और इसका यूज होगा सो विल राइट दैट टी एच ए टी दैट इज एन एलिफेंट और ये क्या है टू एलिफेंट ओके टू एलिफेंट्स सो वी यूज दोज टी एच ओ एस ई दो आर एलिफेंट्स ओके So let's read. That is a hut. Those are huts. That is a tree. Those are trees. That is an elephant. Those are elephants. Okay. So complete your worksheet given on book page number 74. And I hope you understood the concept of that or those. Okay, complete it and send it to ma'am. Thank you. Have a nice day.